तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्र भड़ी मनीष्यो जगत कल्याणी है ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो हो जयवंतो वीतराग श्रवण संस्कृति भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर जिनेश्वर देव ने विश्व सुंदरा को वस्तु के वस्तुत्व का सत्याद्भुत प्रदान किया है। ऐसा विश्व में कोई द्रव्य नहीं जो वर्गणाओं से शून्य हो। जो जो पुद्गल हैं और जीव हैं वे सभी अपने अपने गुणों से संपन्न है। छह द्रव्य गुण पर्यायुक्त है। एक जीव पुद्गल इन दो में क्रिया बती सकती है। शेष द्रव्य निष्क्रिय है। वे निष्क्रिय होने पर भी जीव का पुद्गल का उपकार कर रहे हैं। उपकार उपकारी भाव ये त्रिकालिक भाव है। उपकार उपकारी भाव ये त्रिकालिक भाव है। कृतज्ञ स्वीकारता है, कृतज्ञ नहीं स्वीकारता, लेकिन तब भी उपकार उपकारी भाव का अभाव नहीं होता। जिसको तुम सोच पा रहे हो वो उपकार छोटा है। जिसे आप सोच भी नहीं पा रहे हो वो उपकार बहुत विशाल है। आज तक आपने यही स्वीकारा कि हमारे माता पिता ने जन्म दिया है, पालन पोषण कर बड़ा किया, उपकार किया है। तो मित्र गुरुजनों ने तुमको ज्ञान दिया है, उपकार किया है। ये तुम्हारे उपकार की जो धारणा है ये आपको मात्र परस्पर प्रगत जीवानाम के भीतर बहुत छोटी धारणा है। लोक में कौन सा ऐसा जीव द्रव्य है जिसने आपका उपकार नहीं किया? क्या पृथ्वी कायक ने उपकार नहीं किया? क्या अग्नि कायक ने उपकार नहीं किया? जल कायक ने उपकार नहीं किया? वायु काय ने उपकार नहीं किया? हे मित्र, क्या वनस्पति काय ने उपकार नहीं किया? इसलिए वैराग्य को प्राप्त जीवों को विशेष करके सोचने की आवश्यकता है। जो अत्यंत पुण्यात्मा जीव हैं पंडित जी, उन्हें सोचना चाहिए। अत्यंत वैराग्य से भरे हुए हैं उन्हें भी सोचना चाहिए। विरक्ति जो है आसक्ति का त्याग है। विरक्ति जो है आसक्ति का त्याग है। विरक्ति जो है भोग वृत्ति का त्याग है, पर वस्तु की वस्तुत्व के समझने का त्याग नहीं है। उदास होने का तात्पर्य, उपेक्षा से तात्पर्य भोगों की से उपेक्षा, बंद हेतुओं से उपेक्षा, बंद के कारणों से उपेक्षा, पर वस्तु स्वभाव को समझने की कोई उपेक्षा नहीं है। उपकार उपकारी भाव कितना गंभीर है। पंडित श्रेयान से दीक्षा का नाम मात्र प्राश्चित है। दीक्षा का नाम मात्र प्राश्चित है। मित्र समझो, विद्वानों के लिए विषय है। दीक्षा का नाम मात्र प्राश्चित है। अनंत अनंत भवों से जो कर्म किए थे उन कर्मों को दूर करने का उपाय दीक्षा है। अनंत अनंत भवों से तुमने कर्म किए थे
उन कर्मों से पृथक होने का उपाय दीक्षा है और उपकार उपकारी भाव को पवित्र दृष्टि से देखना, इसका नाम दीक्षा है। उपकार उपकारी भाव पर विचार करो, फिर आपको बोध होगा कि तीर्थंकर आत्मा हमारे लिए कितना उपाधि है। तीर्थंकर आत्मा कितनी उपाधि है, एक इंद्रिय से प्रारंभ करिए। जब भी शव धर्मेंद्र किसी को धक्का लग गया, आप तुरंत बोलते सॉरी, हे मित्र तस्मिच्छा में दुक्कड़म बोला करो, तस्मिच्छा में दुक्कड़म खम्भामी। एक किसी मनुष्य को धक्का लग गया तो तुमने क्षमा मांग ली, मनुष्य से क्षमा मांगी है, एक इंद्रिय के पास चली, जहां तुम रहते हो वो मकान किसके ऊपर है, का एक इंद्रिय जीव नहीं है, कब क्षमा मांगने गए, उसका खनन किया आपने, खनन किया है। और क्योंकि पंडित जी ने विषय रख दिया हमें तीर्थंकर भगवान की उपाधिता देखना है, तो प्रश्न है कि जो तीर्थंकर जिनकी तुम आराधना कर रहे हो वे कभी एक इंद्रिय पर्याय में नहीं थे क्या? पंडित जी 2006 में गोमटेश बाहुली में अभिषेक था, वहां पर भी पंडित जी थे, आप भी थे, मुनि संघ था, आचार्य वर्धमान सागर जी, आचार्य विराग सागर जी, पदम नंदी, बहुत विशाल संघ थे। वहीं बगल में पंडित नीरज जी बैठे हुए थे, सतना स्वाध्याय चल रहा था। जीवन में देखो जब अगवानी हुई, संपूर्ण पिछियां आचार्य विराग सागर को लेने आई, मैं बस ज्ञायक भाव से देख रहा था, पानी पानी में मिल जाए, मिट्टी मिट्टी में मिल जाए, ये सरल है, निर्गंत निर्गंत में मिल जाए, और निर्गंत मिल गए तो सिद्धों में मिल जाएंगे। एक साधक को पंडित हमने नमस्तु बोला, वे भीड़ में आचार्य विराग साहब से मिलना चाह रहे थे, तो ऐसे कोहनी यूं करके निकल गए। जब निकल गए, चार कदम नहीं चले, उन्होंने आचार्य विराग सागर से कहा, बोले आपके विशुद्ध सागर कहाँ है, मैं बगल में ही चल रहा था। तो मैंने अपने मन में सोचा वही मैं अभागा हूं जो अभी तुम टोनी मार के निकल गए थे। जीवन में ध्यान रखना, कभी किसी से कुछ नहीं कहना, कुछ भी नहीं कहना। वो मुड़ के जब उन्होंने देखा कि ये है, महाराज जी की आंखें नीचे हुई, बोले क्यों है मित्र, जब तक पहचाना नहीं था तब टोनी मार सकते थे, पहचानने पर मालूम चला वे तुम्हारे ही भगवान मिले। बे भैया आपको नहीं मालूम, जहां तुमने मल छोड़ा था अपने शरीर का, उस भूमि पर जो जीव बैठा था वो तीर्थंकर हो गया, वो तीर्थंकर हो गया। और श्री अंश भड़ोत, इनके मुख में मसूड़े फूल गए, वैद्य ने कहा अकौए की लकड़ी का दांतन कर लो, सो अकौए की लकड़ी का दांतन तोड़ के लाए और घिस डाला अपने मसूड़ों को ठीक कर रहे थे,
परंतु उसी बीच में अवधि ज्ञानी मुनिराज से पूछा, प्रभु मेरी डाढ़ों में दांतों में दर्द हुआ, उसको ठीक है? इतना बोल ही पाए वे भी इतना श्रवण बोल पड़े, अहो विद्वान तेरे मसूड़ों में दर्द हुआ हो तो वो तो आपका उड़द के ठड़ूरे खा लिए, सो वो तो तुमको दर्द हो गया, मसूड़े फूल गए, लेकिन जिससे तुमने मसूड़े के ठीक करने के लिए जो दांतों घिसी थी तुम्हें पता नहीं था उसके अंदर बनने वाला तीर्थंकर महावीर विराजमान था। भगवान महावीर स्वामी का जीव अकौए की पर्याय में भी गया था, पंडित जी बराबर है कि नहीं? भगवान महावीर स्वामी का जीव अकौआ की पर्याय में भी अकड़ा, तब किसने देखा? और जब अतुल बे अकौआ बने, आप उसमें हाथी बने, एक सूंड में ऐसे पकड़ा और यूं उखाड़ के फेंक दिया, ओ मित्र तू जिसे उखाड़ रहा है वे बनने वाले महावीर हैं और तुम उनके चरणों में बैठने वाले भक्त हो। जब तक आप जीव द्रव के भूत भावी वर्तमान त्रिलक्षणात्मक त्रिकालिक अवस्था को नहीं जानोगे तुम किसी को कुछ भी नहीं समझोगे। जिनका तुम अवसेह कर रहे हो आज, मनोज विनोद वकील साहब जो अवसेह कर रहे हैं आप, उन पर आपने लघु शंका छोड़ी थी। चारों अनियोग निहार लीजिए यहां पर, और आप प्रत्येक जीव में भगवान आत्मा देखते हो, तो मित्र जो पृथ्वी का एक जीव था, जहां तुम्हारा क्षारीय लघु शंका का बहाव चल रहा था, क्या उस भगवान आत्मा के ऊपर नहीं था? भाव नहीं था, इसलिए धन्य में निर्गंत तपोधन जो ध्यान को धारण करके मल छोड़ने की भी सीमा बांधे हुए हैं, ऐसा आहार करें, ऐसा पानी पिए जिससे इतना साधना करें कि वो दिन कब आए कि क्षुधा तृषा रोग से सुन हो जाए, जिससे मेरे द्वारा किसी पृथ्वी काहे पर मल ना छोड़ा जाए। किसे तुमने अपना पति नहीं बना के रखा, वो भी भगवान आत्मा है, इसलिए ज्ञानी प्रकट पर्यायी पूज्य है, अप्रकट पर्याय स्वीकारने योग्य है। यदि अप्रकट पर्यायों को यदि आपने पूजना प्रारंभ कर दिया, आपकी मृत्यु हो जाएगी। ये गुण रहे सुन रहे आप आज, यदि आपने श्रीयांश पंडित जी हसमुख पंडित जी से पूछ लेना, हे मित्र यदि आपने त्रिकालिक जीव द्रव की प्रति पर्याय को पूजना प्रारंभ कर दिया तो आपका जीना मुश्किल हो जाएगा। जिसे वो दर्शन नहीं है कि एक और हम पूज के जाए और दूसरी उसकी पूंछ पकड़ करके कसाई के हाथ में छोड़ दें, ये वो जैन दर्शन नहीं है। जिसे पूजता है उसे मारने को नहीं देता है। रहस्यों को समझो। अब तुम कहां लघु शंका जाओगे? पियोगे किसको? कि जल जीव नहीं है क्या? जल में जीव है ये दुनिया कहना जानती है,
जल में जीवे और जल भी जीवे, इसे जैन दर्शन कहता है। कितनी बूंदों को पी चुके हो, 24 घंटे में एक बार तो प्रतिक्रमण कर लिया करो, तस्मिच्छामि दुःखम्। योगी सर क्या बोलते हैं, इंद्रियवा बेंद्रियवा तेंद्रियवा चौरंद्रियवा पंचेंद्रियवा। ओहो, पृथ्वी का या जल का या बाहु का या वनपति का या ओहो अप का या तेज देव का या, इन जीवों को मालूम योगेश्वर क्या बोलते हैं, अपने आप को पापी कह दे तुमको कोई तो तुम लड़ने खड़े हो जाओगे। एक दिगंबर मुनि दिन में 3-4 बार अपने आप को पापी बोलता है, पापी बोलता पापी, पापेष्ठेन दुरात्मना जड़ धिया माया बिना लोभिना राग देश मलिम सेन मनसा दुष्कर्म निर्मितम त्रिलोक्याधिपते मूलेधुना निंदा पूर्व महम जहामि सत्यम और सु सत्पथे। बेबी इस तरह की मुनीश्वर जो सुपयोग की धारा में होते हैं, तो मित्र जब कभी योद्धा बनके यूं कहते थे पृथ्वी पर पैर रखूंगा तो पानी निकलेगा, आज बे ही वीर योद्धा बन करके पानी पानी से क्षमा मांग रहे हैं, पानी पानी से क्षमा मांग रहे हैं। अपने प्राणों के धारण के पीछे, अपने प्राणों के धारण के लिए कितने के प्राणों का उपयोग किया है, अपने प्राणों के लिए कितने प्राणों का उपयोग किया है। अब तब आनंद एक गिलास पानी पीते समय विवेक जगना चाहिए, यदि एक गिलास से काम चल सकता है तो बाल्टी भर के फैलाने की आवश्यकता नहीं है। भगवान आत्मा भगवान आत्मा, अभी तक नहीं सुनाता आज तो सुन चुके हो, घरों में तुमने फुब्बारे लगा के रखे हुए हैं और खोल दिया गर्मी का मौसम, दिन में 3-3, 4-4 स्नान कर रहे हो, आपको मालूम होना चाहिए इस शरीर का मल ही नहीं धुल रहा, तुम्हारे भीतर पुण्य द्रव्य भी धुल रहा है। शरीर की सफाई हो रही है, आत्मा पाप का बंद हो रहा है, इसलिए धन निर्गंत मुनीश्वर आज प्रभु का दीक्षा कल्याणक है, स्नान मूल गुण का पालन करते हैं। रूढ़ी नहीं है ये, दया है, ये रूढ़ी नहीं है ये करुणा है, ये रूढ़ी नहीं है परम ब्रह्म है, ये रूढ़ी नहीं है स्नान मूल गुण समय सार है। राके जैसे विद्वान समय सार शब्द कहते हैं, वो योगी सुसमय को निज में रमण करके रक्षा करते हैं, वो पर समय की अहिंसा का व्रत का पालन करके रक्षा करते हैं। समय यानी काल, समय यानी पदार्थ, समय यानी आत्मा, समय यानी सिद्धांत, समय यानी अरिहंत, समय यानी सिद्ध, समय यानी आचार्य, समय यानी उपाध्याय, समय यानी साधु और समय यानी आगम। समय को समझ लिया तो समय को समझ जाओ, प्रत्येक द्रव के भीतर निहारिय मित्र, जड़ चेतन संपूर्ण द्रव समय है और चेतन द्रव चेतन समय है, रक्ष रक्षणीय भाव जो है चेतन समय पर है। अचेतन से भी हिंसा होती है,
अचेतन से हिंसा चेतन की। प्राचार्य समझो मित्र, जितने तीर्थंकर भगवान बने हैं इस गुण विद्या में प्रविष्ट होकर के ही बने हैं, इसके ना भगवान बनना असंभव है। अभी मुनिराज श्री जी के दर्शन करने गए, वहीं मार्ग में पंडित जी प्रतिष्ठाचार्य जी उपस्थित मिले। थोड़ी देर की तत्व चर्चा में एक गंभीर बात आई। वो गंभीर बात है पंडित जी, श्रीयान जी अपने घर में क्या खाते हैं कोई मतलब नहीं, प्रतिदिन आप दूध जलेबी खाइए, लेकिन बाहर का पुरुष आया उसे मट्ठा रोटी खिला दिए, प्रतिदिन आप रसगुल्ले खाइए, पकवान खाइए, मिष्ठान खाइए, दुग्धान्न खाइए, खीर खाइए, लेकिन मेहमान आया उसको मित्र तुम्हारे घर में क्या खाया जाता है उसका प्रचार नहीं होगा, एक मेहमान जो खा के जाएगा वो प्रचार होगा। अतुल जीवन में शिक्षा लो बड़ोद, आप पूछो तुम कितना बढ़िया खाते हो बड़ोद में, उसे कोई प्रयोजन नहीं है, तुम्हारे घर में जो मेहमान आए हैं उनका सम्मान नहीं कर पाए तो तुम्हारी कोई कीमत नहीं है। और यदि घर में एक दिन भूखा भी रह लिया हो और मेहमान का पेट भरवाया है मित्र, 1 करोड़ की बोली और 1 भूखे को भोजन बराबर है। वो आज के युग में भूखों को भोजन तो सरल है, त्यागियों को भोजन कठिन है। श्रीयान जी यदि आप अवर्ती हो आपको कोई चिंता नहीं है, तुम्हारा पेट भरेगा क्योंकि कहीं भी खड़े होकर खा सकते हो। जो व्रती है उनकी हालत खराब है। आचार्य उमा स्वामी महाराज ने इसलिए बहुत अच्छा लिख के गए हैं, व्रतियों पर भी अनुकंपा करिए। प्रश्न यहीं तक नहीं रुकता है, ये तो उदाहरण है। जैसे आपने मेहमान को खीर खिलाई है तो लोग बोलते अलग से, बोले महाराज जी भोजन बहुत स्वादिष्ट, यानी महाराज तक को बोल जाते हैं, बोले महाराज जी कमेटी ने भोजन बहुत स्वादिष्ट बनाया है। कोई दिन नहीं है तो सुनाई पड़ जाएगा, बोले है सब ठीक लेकिन बात क्या थी। है मित्र मुनिराज अपने कक्ष में सामाय कर रहे हैं, अपने कक्ष में स्वाध्याय कर रहे हैं, अपने कक्ष में जाप कर रहे हैं, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन महाराज सभा में आंखों आंखों से बात कर रहे हो। तुम्हारे जाप देखने हम नहीं गए पर हमने ये देख लिया है कि आपकी निगाहें कहाँ जा रही है। पर्दे के अंदर का मुकेश उमेश अलग होता है, पर्दे के अंदर के उमेश को तुमने यहां नहीं बुलाया, पर्दे के अंदर के उमेश को आपने नहीं बुलाया पंडित जी, पर्दे के बाहर के उमेश को बुलाया है। मुझे को सजा बैठा पुतला जैसा, यदि इनका बाहरी सजावट देख करके ये सारे लोग निहारने आते हैं तो मुनिराज का बाहिरंग जो चारित्र है उसे देखने सौधर्म इंद्र भी चला आता है। कुछ गुण बात इसलिए बता रहा हूं,
यदि श्रीयांश बड़ौत को भी समाधि करना हो तो पंडित जी मैं आज खुले मन से कह रहा हूं, आपके मन में समाधि चल रही है वो तो चलेगी, होगा कल्याण नियम से, लेकिन पंडित जी कुछ बाहर भी करके जाना। हल्ला कैसा करना कि मैंने समाधि ले ली है, हल्ला करना है, नहीं तो ये समाज ये बोलने वाली है कि जीवन भर आत्मा की बात नहीं किए, वो अंत में मर गए, पता नहीं कैसे मर गए। इस बात की आप अपने अहंकार के लिए हल्ला नहीं करना। जिन शासन विद्वान के नाम पर उपहास न हो इसलिए हम समाधि करेंगे, हल्ला करके करेंगे। समाधि तो परिणामों से होती है, लेकिन आपके परिणाम आप जान सकते हो, मनाप्रज्ञानी जान सकते हैं, आप भगवान जान सकते हैं, लेकिन जगत तो ये जानता है कि चार प्रकार के आहार पानी का त्याग किया है, खाते खाते नहीं गए, नमुकार सुनते सुनते गए। इसलिए बस यही तो मैं कह रहा हूं कि दो मिनट की बात हुई थी अभी अंदर, पंडित जी देखो मुस्कुरा रहे अंदर अंदर, दो मिनट की बात हुई थी, उन्होंने भी यही कहा, महाराज बिल्कुल सत्य है। सो धर्मेंद्र, मित्र विश्वास मानना न आपका सम्मान, नो क्रम दिखता है, नो क्रम फलित नहीं होता। पंडित जी नो क्रम दिखता है, फलित नहीं होता है। फलित कौन है? द्रव्य क्रम। नोक्रम के माध्यम से द्रव्य क्रम आता है, वो नोक्रम कई प्रकार का होता है। चावल मट्ठे दही के साथ ले लिया, तीन दिन लगातार लिया, सभा में बैठे बैठे झूमने लग जाओगे, प्रवचन में मन नहीं लगा, सोते रहोगे। खरीदी सर्दी खांसी के लिए तैयार हो जाना, मौसम ये चल रहा है, लेकिन ये निमित्त बन गया दर्शनवाणी कर्म के लिए, उदय के लिए नोक्रम चाहिए, उत्पत्ति के लिए योनि स्थान चाहिए, उत्पत्ति के लिए योनि स्थान चाहिए, विमान को उतरने के लिए विमान पतन चाहिए, बराबर बराबर है मित्र। भगवान की प्रतिमा आई जयपुर से, ये प्रतिष्ठाचार जी हैं, एक कमरे में बिठाल देते, ये लाखों खर्च कर डाला आपने, इतना बड़ा विशाल पंडाल बनाया, इतने लोगों को परेशान किया इंद्रानी बुला करके, एक कमरे में नहीं लेते, पंडित जी को बिठाल लेते संस्कार, अरे चार घंटे में पंचकण पूरे होते कि नहीं पंडित जी? लेकिन प्रतिष्ठा नहीं कहलाते, लेकिन प्रतिष्ठा नहीं कहलाती। प्रतिष्ठा होने पर प्रतिष्ठा नहीं होती, बोले हां सुनिए ध्यान से, प्रतिष्ठित लोग तिष्ठ जाएं जहां, वही प्रतिष्ठा। शादी हो गई क्या आपकी? अकेले चले जाते तुम दो का ही तो काम था, ये बात आते सीधी शांति से। समाज में ऐसी थूथू होती, बोले पता नहीं वो लड़का किसकी लड़की को भगा लाया, लेकिन प्रतिष्ठित लोगों को लेके गए हो तब तुम्हारी प्रतिष्ठा हुई है। वो विद्वान ने वहां संस्कार भी किए थे, मतलब रहस्य पकड़िए, तब तुम प्रतिष्ठित, देव विवाह हुआ है, राजसी विवाह नहीं हुआ है। माता पिता के नियोग से जो संतान की शादी होती विधि पूर्वक, उसका नाम है देव विवाह। चेहरा देख के ला रहे हैं, ये सब गंधर्व विवाह है। वो भगा के लाए सो पंडित जी राक्षसी विवाह है, राक्षसी विवाह। ओहो, समाज को इतनी बड़ी बरात लेके जा रहे हैं आप, किसके पीछे?
मात्र नौकरम। प्रतिष्ठित लोगों को लेके बोले दिखना चाहिए है ऐसे ही। शादियां एकांत में नहीं होना चाहिए, समाज के बीच में हो। प्रतिष्ठाएं समाज के बीच में, तभी तो मालूम चले प्रतिष्ठित है कि नहीं है। और दीक्षाएं भी कमरे में बंद में ना हो, खुले मैदान में समाज के बीच में हो, जिससे मालूम चले कि जबरदस्ती मुड़ के बिठाल दिया है कि विरक्त होके लिया है। बहुत सारे काम बाहर दिखा के ही करना चाहिए, ऐसी समाधि मरण भी हो, अंतरंग में निज भावों के भीतर हो। व्यवहार में 12 वर्ष की समाधि की विधि है। ऐसी घोषणा नहीं करो कि व्रत तोड़ना पड़ जाए, घोषणा ऐसी करो हमारा अभ्यास प्रारंभ हो गया है, या फिर ज्योतिषी अच्छा हो, ज्योतिषी अच्छा उसने बता भी दिया। आपकी दृढ़ता अच्छी होना चाहिए कि आज की मेरी मृत्यु नियत है, जो कोई टाल नहीं सकता है, तो समता मेरे साथ रहेगी। संकल्प, बाहर जाओ बेटा तो जेब में पैसे डाल के ले जाना, बाहर जाओ तो जेब में पैसे डाल के ले जाना, और भीतर जाओ तो परिणाम में समता डाल के ले जाना। ग्रस्त को जीवन जीना है तो धन चाहिए, और साधु का जीवन जीना है तो समता धन चाहिए, समता चाहिए। कितनी सुंदर मोटे तगड़े रहो, जेब खाली हो चुकी है, कोई नहीं पूछता साधु कितनी श्रेष्ठ हो, संयम निकल चुका है। पंडित जी यही चर्चा चल रही थी हसमुख जी की, क्या गजब की बात बोल दी 2 मिनट के अंदर महाराज को, महाराज हम विद्वान काम में आपके नहीं आएंगे, समाज काम में नहीं आएगी, मुनि संघ भी काम में नहीं आएगा, काम में आपका स्वयं का चारित्र ही काम में आएगा। और चारित्र जिनका दृढ़ है उनका साथ समाज भी देगी, विद्वान भी देंगे, सम्राट भी देगा, और सकल राष्ट्र देगा, वो धन आपके पास जाएंगे। ओहो पंडित जी आप लोग क्या सोचते, बोले महाराज जी सुबह से 1.5 किलोमीटर सोच को चले जाते हैं, समय बर्बाद करते हैं, ये अज्ञानियों का सोच होता है, है? नहीं मैं कमरे वाला नहीं हूं, हे मित्र मैं बाहर जाता हूं। लेकिन पंडित जी हसमुख जी ये लोग क्या सोचते हैं, बोले महाराज कितना समय बर्बाद करते हैं, उन्हें पता नहीं है मार्ग में झिनालाएं मिलते हैं हमको, उनकी वंदना होती है, आगम में लिखा हुआ है इस चंडल भूमि में जाना चाहिए बाहर। साथ में आपको क्या मालूम जितने पंडित मालाएं बचती हैं, मैं थोड़ी बात करते जाता हूँ मन से जाता हूँ, जितनी मालाएं कर लो, ग्रंथों के पाठ याद हैं, वो अंदर चल रहे हैं, इसके साथ साथ कितने गेय मिलते हैं, उनकी श्रद्धा तो देखो तुम्हें ठंडी लगती है बे, ठंडी में चलते मुनिराज को देखकर उनकी मिथ्यात की ठंडी निकलती है। पर कल एक दृश्य देखा, मैं गया तो रास्ते में एक बंदर तारों पर चढ़ करके एक दीवार पर बैठ के जा करके, और वो मालूम क्या कर रहा था, उमेश तुम कितने तरीके से गन्ना चूस सकते हो, बंदर अपने हाथ में गन्ना लिए बड़े जुगत से और बिल्कुल क्रम से छील छील करके वो चूस रहा था आनंद के साथ। ठहरो मित्र, वो कौन था बंदर, कौन था बंदर, लेकिन वो गन्ने के जिसमें रस था उसको प्रेम से ऐसे पकड़े हुए था, छाती से लगा कर और चूस रहा था, जिसमें रस था
और जिसका रस निकल जाता था वो निकल नीचे निकाल रहा था। क्यों संसार में देखो सारा जगत जब मिठास होता है उसे बंदर भी चूस लेता है। माधुर गुड़ प्रीति जहां मधुरता होती है तो वहां बंदर भी उस गन्ने को पकड़े था, को छोड़ नहीं रहा था, बैठा बैठा चूस रहा था। ज्ञानियों कम से कम तुम ऐसे बनो, गन्ने जैसे बनो कि दुनिया तुम्हें प्रेम से पकड़ के चूसे, लेकिन ध्यान रखना ऐसे मत चूस जाना। क्यों हंसे क्यों? गन्ने को बंदर चूस रहा था। सुनील भाई आप तो साथ में चल रहे थे, देखा था? हाँ, देखते ही रहना बस और कुछ नहीं करना। पर ये क्यों नहीं साथ में देखा कि गन्ना चूस रहा है लेकिन और क्या कर रहा है? जब चूस लेता तो छिकले को फेंक रहा था। ये तुम्हारा कुटुंब तुम्हें चूस लेगा बाद में फेंक देगा, अब कहो कुछ? ये सारा कुटुंब परिवार है ज्ञानियों, संसार ऐसा है, गन्ने का रस चूस लेता है और फिर फेंक देता है। ऐसे मित्र जब तक तुम्हारा पुण्य का रस है, आयु क्रम शेष है, तब तक तुम्हें दुनिया पकड़ी मेरे 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 हो, लेकिन मित्र जिस दिन श्वास निकल जाएगी, गन्ने को तो वो चूस के फेंक रहा था, ये तुम्हें सीधे आग ही लगाएंगे। ये मित्र आग लगने के पहले तन में आग लगे, कसायों की आग लगा दो जिससे आत्मा परमात्मा बन जाए। उपकार एक ज्ञानी बड़ोद के क्या बोल रहे थे पंडित जी हमसे, जब आप प्रवचन करते हो ना तब लगता कि हाँ मुनि बनना ही श्रेष्ठ है। बोले मुझे भी मुनि बनना है। और जैसे ही प्रवचन समाप्त होता है, क्यों मेरा नाम क्यों नहीं लिया मंच पर? ओ मित्र इसे गलत नहीं मानना आप, यदि एक घंटे भी आपको ऐसा लग गया कि मुझे मुनि बनना चाहिए, विश्वास मानिए, विश्वास मानिए, जो बच्चे यहां खेल रहे थे ना भगवान के साथ, कोई अज्ञानी देख जाओ बोले क्या चल रहा मंच पर, वो खेल तमाशा, उन्हें मालूम ही नहीं है जिन बच्चों ने भगवान के साथ हाथ कीड़ा की है, ये बड़े होने पर ये स्मृति में लाएंगे, तो मैं बच्चा था भगवान के साथ खेला हूं, कभी गलत खेल खेलने नहीं जाएंगे। खेलते खेलते संस्कार पड़ जाते हैं। स्वामी ब्रह्म गुलाल की कथा सुनो अचरजकारी, हंसी खेल में स्वांग रचायो जिनमत की दीक्षा धारे। फिरोजाबाद आपके उत्तर प्रदेश में ब्रह्म गुलाल हुए बहुरूपिया, और रूप बदलते बदलते उमेश बहुरूपिया रूप बदलते बदलते एक ऐसा रूप बनाया जो स्वरूप में चला गया फिर बदला नहीं। वो उसे तो लग गई पर श्रियांश को कब लगेगी? अबरल अपनी दादी से बोल देना, ये बोल देना वो दादी दो आदमी भारत में ऐसे हुए, दोनों उत्तर प्रदेश में हुए, एक वैदिक दर्श में तुलसीदास और जैन दर्श में ब्रह्म गुलाल, इनकी पत्नी की लग गई पंडित बराबर। तुलसीदास जी बेटा इतने रागी थे, अपनी पत्नी इतने रागी थे कि पिछवाड़े से चढ़ गए, एक सांप जा रहा था बेटा, तो उनने सोची रस्सी है, सांप की पूंछ पकड़ करके ऊपर चढ़ गए। पत्नी ने देखा ये परमेश्वर कैसे आ गया, बोले आप ये बताओ आए कैसे? बोले वो रस्सी टंगी थी, वो दीपक लेके गई, काला नाग क्या बोली, जब मेरे राग में तुम सांप को भी भूल सकते हो, जितनी प्रीति मेरे प्रति है उतनी प्रीति प्रभु पे हो जाए तो मेरी तुम्हें जरूरत का है।
चले गए उसी समय। और ब्रह्म गुलाल की पत्नी ने कहा, तुम दिखा दो रूप। सम्राट ने बोला कि एक बार शेर बन के आओ। अब शेर बन के आओ तो बोले, भाई बन तो सकता हूं पर एक बार का अपराध क्षमा करना पड़ेगा। राजा हां कर देता है। राजकुमार कोई पंजा मार दिया, खत्म हो गया, कुछ कर नहीं सका। लेकिन प्रस्तुत की भावना थी तो धीरे से कहते हैं, मुझे दिगंबर मुनि के दर्शन करना है। बोले, राजन अब 7 दिन देना पड़ेंगे। बोले, क्यों? संसार का सारे भेष बदले जा सकते हैं, संसार के सारे भेष बदले जा सकते हैं, पर दिगंबर भेष बदला नहीं जाता है, बदला नहीं जाता है, बदला नहीं जाता है, बदला नहीं जाता है। दिगंबर भेष में बदले नहीं होते, और जो बदले लेते हैं वे दिगंबर नहीं होते हैं। जहां तो अर्घ चढ़ाने वाले को भी आशीर्वाद होता है और तलवार चलाने वाले को भी आशीर्वाद होता है। इसका नाम दिगंबर है। कसाईयों के ढेर छा जाएं, फिर भी दिगंबर की आंखें लाल ना हो, नीचे ही रहे, वही दिगंबर है। वही दिगंबर है। उपकार, उपकार तीर्थंकर का विषय मेरे अंदर है पंडित जी। उपकार तीर्थंकर का, बेटा बरल बचन भी बोलो तो ऐसे बोलो, क्रूर से क्रूर आंखें भी गीली हो जाए, यही दर्शन है दिगंबर का। कठोर आंखें भी पानी टपकाते जिसे देख करके, वही धरती का देवता दिगंबर है। मैंने कोई मंत्र नहीं किया आपके ऊपर विश्वास, मैंने कोई मंत्र नहीं किया, यही मंत्र है। बागेश्वर की आराधना से बड़ा मंत्र क्या हो सकता है। बागेश्वरी प्रतिदिन मम रक्ष देव, तीर्थंकर का उपकार। जो कुछ मैं बोल रहा हूं, मेरा कुछ भी नहीं है, ये भी है उपकार तीर्थंकर का। एक पुण्यात्मा जीव जन्म ले ले, लाखों के पेड़ भरते हैं। एक पुण्यात्मा जीव के नियोग से लाखों के पेड़ भरते हैं। एक पुण्यात्मा से एक सम्राट हुआ, उसकी सेवा में हजारों लोग लगे हुए हैं। अरे हजारों लोग लगे हैं, उन हजारों को काम मिला कि नहीं मिला, उनका उपकार हो रहा कि नहीं हो रहा है। ये मंडप ऐसे तैयार हो गया, कितने लोगों ने काम किया है, उनको काम मिला कि नहीं मिला। ऐसे मित्र अनुज एक तीर्थंकर भगवान जन्म लेते हैं, स्वर्ग के देवताओं को काम मिल जाता है। देखो वे ताली बजा रहे हैं। उपकार मानो सौधुरविंद्र, उपकार मानो। बोले, क्यों? यदि तीर्थंकर का जन्म न होते होते कल्याणक, तो तुम लोग तो देवियों के साथ भोगों में रमण करते ही मिलते। ये बहुत बड़ा उपकार है, उनकी पुण्य वर्गणाओं ने तुमको प्रभावित किया है। आप अपने आप को रोक नहीं सका सौधर्मिंद्र। और मित्र तीर्थंकर कल्याणक महोत्सव मनाने चल दिया है, उतने समय उस जीव की अशुभ उपयोग से निवृत्ति हुई है। उपकार है कि नहीं?
लेना देना इतनी उपकार नहीं होता। इधर आइए मेरी तरफ, बैठे रहो वहीं, वहीं से आओ मेरे पास। हे ज्ञानी पंडित जी, कोई भी श्रावक ग्रस्त वृद्ध माता पिता दादा दादी का अभिलना ना कर दे, अभिलना नहीं कर देना बेटा, तुम्हें रहस्य पता नहीं है। ये श्रीयांशी माइक पे बोलते हैं, ठीक है, भागतन जी बोलते हैं, वो महात्मा जी ये यहाँ पर शांत बैठे रहते हैं, ठीक है। हो सकता किसी की बुद्धि में चल जाए कि मूल प्रतिष्ठाचार को तुमने बोलते देखा ही नहीं है। सुनना ध्यान से, देखा ही नहीं हमने। तो सुनिए, इनको यहां से मंदिर में ले जाओ और फिर प्रतिष्ठा काम शुरू करो। अब विश्वास मानना, तुम्हारी प्रतिष्ठा सुनी हो जाएगी। पंडित जी बराबर, पूरी बारात लेके आओ पर दूल्हे को छिपा देना। जिसका जिसको दूल्हा बना के रखा है उसमें वही प्रतिष्ठा वही महत्वपूर्ण है। तो ऐसे ही जैसे ये हम पर बुजुर्ग बने बैठे हुए हैं, ऐसे मित्र घर में जो दादा दादी हैं, बेटा वरल सपने भी ये सोचना भी मत, ये बुढ़ा कब ऊपर जाएगा मेरा नाम चले, ये सोच भी मत लेना तुम। तुम ये सोचना कि मेरी आंखें चाहती हैं, मेरी आंखें चाहती हैं कि मेरा दादा मुझे दो रूप में देखे, जाने के पहले ही या तो मेरे हाथ में ग्रास रख ले या मेरे हाथ से ग्रास ले ले। दोनों का मत चेक नहीं, यदि दोनों ही संभव ना हो सके तो कम से कम मेरा दादा अपनी आंखों से देख ले कि मेरा पोता एक देश का ख्याति प्राप्त विद्वान बन गया है। इतना भी नहीं कर सको तो इतना देख ले कि अपनी कमाई से मुड़राजों का पड़घान कर रहा है। तो आत्मा शांत होकर ऊपर जाएगी। कम से कम हमारे कुल में जो पड़घान परंपरा थी वो अखंड चलेगी। उपकार तीर्थंकर का मित्र। अब चलिए अंतिम धारा में, जो जीव एकिंद्रित था तीर्थंकर भगवंतों का, दस भव का जो व्याख्यान है वो जरूर सुनाना चाहिए है। उससे ये ध्वनित हो जाए कि हमने अकौवा की प्रिया में क्यों लेके गए आपको। हे मित्र जरा देख के चलो, संभल के चलो। हसमुख जी ने धरियाबाद, धरियाबाद है पंडित, वहां पर एक बहुत बड़ा तीर्थ बनाया है विशुद्धवती माता जी के सानिध्य में, वहां पर समाधि हुई ना। बालक जब इनका मंदिर बना नहीं था तो लोग उस पर कोई खाली भूमि पड़ी है, कोई लघु शंका चला जाए, सोच चला जाए, बराबर, तो लोग क्या करते हैं, एक बोर्ड लगा देते हैं, बोले प्रस्तावित प्रस्तावित मंदिर भूमि। हाँ ज्ञानी जी बोल रहा ना, अब देखो पकड़ गए, प्रस्तावित जिनालय। तो इनने क्या कर लिया, वो बोर्ड लगा करके रक्षा कर ली। अब लोग यूं लोटा लेके नहीं जाएंगे, लघु शंका नहीं जाएंगे, बोले प्रस्तावित मंदिर, भाई मंदिर है। माता आप एक पट्टी बनवाओ, अपने माथे पे चिपका दो,
बोले किस बात की? जब भूमि प्रस्तावित हो सकती है मंदिर की, वो तो मंदिर की प्रस्तावित है, हम प्रस्तावित हैं जिनदेव। प्रस्तावित भगवान है, जब प्रत्येक जीव प्रस्तावित भगवान है। अब बोल मित्र, यदि यदि कोई तुम्हारा पति गुस्सा करके आए, तुम धीरे से कहना, हे देव प्रस्तावित परमात्मा, तुम किस पर गुस्सा कर रहा है? ज्ञानियों, कोई देवी ताड़का बनके तुम्हारे सामने आ जाए सौधर्मेंद्र, तो कहना देवी से, हे देवी देख प्रस्तावित जिनदेव, तुम किस पर गुस्सा कर रही है? तेरी गुस्सा तेरे में ही होगी, मैं तो भविष्य का भगवान हूं। कितने शांति सुन रहे हो आप? तीर्थंकर के माता पिता, हे मित्र अभय जी, तुम्हारा भाग्य है कि प्रवीण अध्यक्ष अतुल सुनील की कृपा तुम्हारे ऊपर बरस गई, कि कैसे मुस्कुरा रहे हो। ये मुस्कुराहट तुम्हारे घर में बालक का जन्म हुआ उसकी मुस्कुराहट है, कि तुम्हें सम्मान मिला उसकी मुस्कुराहट है? जहाँ तीर्थंकर का विहार होता है, सूखे सरोवर भर जाते हैं और सूखे तरोवर पुष्पित हो जाते हैं, इतना प्रभाव है। और जन्म जाति विरोधी जीव अपना आनंद विरोध छोड़ देते हैं। जन्म जाति विरोधी जीव, वकील साहब कितने पर्याय के दिन हो गए, इस पर्याय में रहते कितने दिन हो गए आपको? 60 वर्ष हो गए, क्या 60 वर्ष और रहेंगे आप? जब आयु का क्षय का मेरे मित्र जी पता नहीं है। हे मित्र, आयु कर्म के क्षय का मुझे पता नहीं है, लेकिन हमारे भाव कर्म का हमें पता रहता है। आयु कर्म का क्षय हो, उसके पहले अशुभ भाव कर्म का क्षय कर देना। ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है जिसे अपने परिणामों का ज्ञान न हो। स्थूल ज्ञान तो है, और यह भी ज्ञान हो चुका आपको कि मैं 60 वर्ष का हो चुका हूं, इतना जीव कोई नियत नहीं है अब। इसलिए हे मित्र, किसी की मृत्यु देखी आज तक? किसी की मृत्यु देखी आज तक? नहीं देखी। ऋषभ देव ने तो एक मृत्यु देखी बड्डू भाई, ऋषभ देव ने तो एक मृत्यु देखी। और बंद करो सब, वकील साहब इतनी सी बात पूछ के मैं समाप्त कर रहा हूं, कि आपने मृत्यु देखी कि नहीं आज तक? देखिए, अपने पिताजी को जीते देखा कि नहीं, जाते देखा? बहुत बढ़िया। हे मित्र, तेरे जैसा बेटा छोड़ के चले गए और इतनी संपत्ति दे के चले गए, अपने साथ क्या क्या लेके गए? जब इतना भाग्यवान जीव नहीं ले जा सका कुछ भी, हे मित्र आप क्या लेके जाओ? मेरे में आपका अत्यंत अभाव है, इस बच्चे में आपका अत्यंत अभाव है। वकील साहब विश्वास मानिए, जिस तन से तुमने जिसे जन्म दिया है उसका भी तेरा अत्यंत अभाव है। इसलिए अपनों के पीछे गैरों को दुश्मन बना के मत जाना, अपनों के पीछे गैरों को दुश्मन बना के मत जाना। अपने आग लगाएंगे, गैरों के कंधों पर जाओगे। जाओ पंडित हसमुख जी, हम इनसे कह रहे जाओ, जा भी नहीं रहे बेचारे। जाओ भैया, ओहो हो।
भगाने पर भी नहीं जा रहे तो रुको फिर ठहरो, दोपहरी में पिच्ची का मंडल हम बोलने दे रहे सुब्रत सागर जी से। इतनी पिच्छियां आ गई बाहर से, आपकी सबकी व्यवस्था हो जाएगी, नहीं तो बगल में दिल्ली है वहां बनती है, अशोकनगर के युवा बनाते हैं, कर्नाटक से आ जाएंगी, जयपुर से आएंगे, बिसाश्री माता जी भेज देंगे, ज्यादा हो तो हमारे आचाश्री के यहाँ से मंगा लेंगे। लेकिन आप तो चिंता मत करो, वो आहार की चिंता करना मत। पंडित जी बड़ौद के लोग कह रहे थे कि शाम को महाराज जी टॉर्च लेके जाना पड़ता मुझे कि भैया महाराज जी आए चौका लगा लो, पर आज हमें टॉर्च लेके जाना पड़ता है। बोले बंद कर दो भैया, दूसरों को लगाने दो। आप चिंता मत करो, लड्डू खाने के लिए महाराज बना जाता नहीं, वो सच्चे महाराज बन गए तो खीर खाने को मिलेगी, तुम चिंता मत करना। सच्चे महाराज बन जाओ, जाओ कल फिर आओगे, मध्यान्ह में तैयारी करके आना, जिन जिन को वैराग हो तो विचार कर लेना। आत्मा सुभावम परिभाव भिन्न।